दोस्तों मैंने K9 को माइक से कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग दोनों माइक हाथ में है, रिसीवर जो है मोड लगा हुआ है। दूरी आवाज आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट माइक की आवाज है, ये सेकंड माइक की आवाज है। जो जाते हैं पीछे और देखते हैं आवाज में कितना फर्क पड़ता है। अगर आपका मोबाइल यहाँ पे माइक लगा हुआ है तो आवाज कैसी आप सुन सकते हैं, या तो हमारा दूसरा माइक दूर कैसी आवाज आ रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, आवाज हाय फ्रेंड, देखिए K9 को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए इसकी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है, बाहर कितनी आवाज़ आ रही है इस माइक में और मेरी कितनी आवाज़ आ रही है। दोनों माइक में बस साथ में है, दो माइक इसलिए हैं कि अगर आप किसी इंटरव्यू लेना चाहें तो इंटरव्यू ले सकते हैं। दूरी हमारी इतनी है अच्छी खासी, जितनी दूरी हमारी वीडियो बनती है। ज़्यादा दूरी के लिए तो नहीं कहा जाए कि ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको 900-1000 रुपये मिल जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, बाहर की नॉइज़ कितनी है और यहाँ की नॉइज़ कितनी आ रही है, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। ये देखिए माइक भी क्लियर आवाज़ आ रही है, सिंगल माइक से बात कर रहा हूँ मैं इस समय। एक माइक में ऑफ ही कर देता हूँ, चलिए एक माइक से बात करते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या स्थिति है। एक माइक मैंने बंद कर दिया, दूसरे माइक से मेरी बात हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ अपने, लाइट जल रही है, माइक कनेक्ट है, उसको लगाने के बाद मैं टहलते हुए आपसे बात करूँगा। कितनी आवाज़ इसमें आ रही है ये आप लोग जान सकते हैं। इतनी दूरी सफिशेंट है अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं, सबसे दूरी पे है और आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो